नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज 12 अप्रैल 2019 हो चुका है और आज शुक्रवार के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन, आज की बड़ी खबरें और आज के मुख्य समाचार आप सभी के लिए हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर अपडेट। रेल टिकट बुक कराने पर मिलेगा 5% का बोनस, करना होगा बस केवल ये काम। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में सफर करने वाले अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों की संख्या में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई और अभी भी टिकट बुक कराकर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या की तुलना में जनरल टिकट पर सफर करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में लोगों को ट्रेन से पहले घंटों लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ता है, लेकिन अब रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए भी एक ऐप लॉन्च कर दिया गया है जिससे आसानी से वो टिकट बुक करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यात्रियों को अब UTS ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा और इस ऐप से डाउनलोड होने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इस ऐप में डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप रजिस्टर्ड हो जाने के बाद में यात्री को कहाँ से कहाँ तक यात्रा करनी है इसमें लिखना होगा और यह स्टेशन की डिटेल जो है आपको अपने इस ऐप में मिल जाएगी और आप इसके आसानी से इस ऐप की से टिकट बुक है वो करवा सकते हैं। यात्रा ऑनलाइन भुगतान आपको करना होगा और सफर के दौरान बस यात्री को तथा ऐप टिकट दिखाना होगा और रेलवे की ओर से तथा अपना ई वॉलेट आर वॉलेट नाम से शुरू किया गया है। इसके आपको पैसे का रिचार्ज करवाना होगा, इसके जरिए ही आपको टिकट का शुल्क का जो भुगतान है वो देना होगा और यदि आप इस वॉलेट का प्रयोग करते हैं तो आपको 5% का बोनस दिया जाएगा। यानी आप 100 रुपये वॉलेट में डालेंगे तो आपको 105 रुपये मिलेंगे, वहीं आप 200 रुपये वॉलेट में रखेंगे तो आपको 210 रुपये वॉलेट में मिलेंगे जिससे आप आसानी से टिकट बुक करा सकते हैं और आप आसानी से बिना लाइन में खड़े हुए यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। 70 पैसे लीटर पेट्रोल बेचने वाले देश में तथा पानी बिकता 28 रुपए प्रति लीटर, अमेरिका की नजर है तेल के भंडार पर। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला में तथा इन दिनों लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ गरीबों की मार पड़ रही है और आलम यह है कि 3.2 करोड़ की आबादी बिजली पानी से लेकर तथा खाने के संकट से जूझ रही है और देश के सभी 23 राज्यों की बिजली गुल है और इस देश में पानी 28 रुपये प्रति लीटर के भाव बिक रहा है, जबकि फरवरी में दूध यहाँ पर 5,000 रुपये प्रति लीटर हो गया था, आलू 17,000 रुपये प्रति किलो बिके हैं, जबकि पेट्रोल यहाँ पर महज 70 रुपये प्रति किलो बिकता है और यह देश अब दूसरे देशों की दया पर चल रहा है और नौ लैटिन अमेरिका देश वेनेजुएला के लोगों को पलायन करने से रोकने के लिए फूड जुटाने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका जैसे बड़े देश यहाँ के तेल भंडार पर नजर बनाए हुए हैं, कुछ आर्थिक सहायता देकर यहाँ के तेल भंडारों को अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। आचार संहिता में नियुक्ति शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर नहीं लग सकती है रोक, हाईकोर्ट ने कहा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त निशा शर्मा को BSc गाजियाबाद द्वारा ज्वाइन न करवाने के आदेश को रद्द कर दिया और मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनाव आचार संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिससे शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति या कार्यभार ग्रहण करने पर रोक लगाई जा सके। गौरतलब है कि निशा शर्मा की आचार संहिता लागू होने के आचार पर नियुक्ति रोक दी गई थी और शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तथा BSc ज्वाइनिंग न करवाने के संबंधित आदेश को रद्द कर दिया और साथ ही 10 दिनों में ज्वाइनिंग के आदेश को जारी किया है और 10 दिनों में अगर ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो इस पर हाईकोर्ट और बड़े कदम उठाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। नोएडा चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी बांट रहे हैं तथा नेमो फूड पैकेट वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जी हाँ दोस्तों, देश में आज 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान हो रहे हैं, इसमें 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन दिल्ली के सटे नोएडा सेक्टर में 15 AM मतदान के दौरान एक अजीब वाक्य देखने को मिला और जहां चुनावी ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी सरकारी गाड़ी में नेमो फूड पैकेज लेकर आए और फिर उनका वितरण करने लगे, लेकिन जब पत्रकारों की खबर मिली तो पुलिसकर्मी खाने के पैकेज को लेकर चले गए और ये वीडियो किसी ने बना लिया और वह सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। Amazon अब जल्द लाएगा ये नया फीचर, खाना ऑर्डर करने के साथ में कर सकेंगे आप जरूरी काम भी। जी हाँ दोस्तों, तथा Amazon इंडिया जल्द ही अपनी वेबसाइट पर तथा ग्राहकों के लिए तथा टिकट की फ्री बुकिंग शुरू करेगा और इसके साथ ही Amazon अपने यूजर्स को खाना ऑर्डर करने का भी ऑप्शन देगा और अपने इस फैसले से कंपनी ने यूजर्स को ज़्यादा ट्रांजेक्शन में मदद करने की योजना बनाई है। कंपनी के सूत्रों ने बताया है कि Amazon अभी ट्रेवल पोर्टल तथा क्लियर ट्रिप के साथ में मिलकर फ्लाइट बुकिंग का ट्रायल कर रही है और सूत्रों ने यह भी कहा है कि ई कॉमर्स कंपनियों ने यह बड़ा कदम उठाया। ई कॉमर्स कंपनियां ऑल इन वन ऐप बनना चाहती हैं जिससे यूजर्स एक ही साइट पर तथा अगर अलग अलग सौदे कर सकता है। अमेजोन आगे चलकर फूड, कैब और होटल बुकिंग जैसे ऑप्शन भी ग्राहकों को उपलब्ध कराएगी ताकि ग्राहक जो है वो सभी काम एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर सकें। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट।
अब रेलवे स्टेशन पर नहीं लगेगी गर्मी, रेलवे ने किया है ये खास इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, गर्मी में सफर करने पर काफी लोगों को परेशानी होती है और इस मौसम में यदि आप ट्रेन से सफर करते हैं तो रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर बढ़ने वाला तापमान काफी परेशान करता है। लेकिन अब तापमान को कम करने और गर्मी में राहत देने के लिए इंडियन रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं और प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने वाले यात्रियों को बढ़ते तापमान से राहत देने के लिए रेलवे मंत्रालय ने एक रोचक कदम उठाया। गर्मियों में यात्रा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मथुरा जंक्शन पर मिस्ट कूलिंग सिस्टम लगाया जाएगा। 7 से 8 डिग्री तक कम हो जाएगा तापमान। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार तथा मथुरा स्टेशन पर लगाए गए तथा मिस्ट कूलिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के से तापमान को 7 से 8 डिग्री कम कर देगा। यह सिस्टम एयर कंडीशनर की तरह ही काम करता है और तापमान को कम करके ठंडा कर देगा। और दोस्तों ये जल्द ही तथा मिस्ट कूलिंग सिस्टम जो है देश के अन्य रेलवे स्टेशनों पर लगाए जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। इलेक्शन कमीशन का फरमान है तथा चुनाव तक नहीं रिलीज होगी तथा पीएम मोदी की बायोपिक, नमो टीवी पर भी लगी है रोक। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने तथा बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म पर रोक लगा दिया और फिल्म आज 11 अप्रैल को रिलीज होने जा रही थी और साथ ही चुनाव आयोग ने इस बायोपिक को तथा नमो टीवी पर दिखाने पर भी रोक लगा दी है। और कल ही लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है और इससे पहले चुनाव आयोग ने तथा BCSC को मंगलवार को पत्र लिखकर फिल्म के प्रमाण की स्थिति के बारे में उन्हें सूचित करने को कहा था और बता दी कि 31 मार्च को ही नमो टीवी को लॉन्च किया गया था और चुनाव तक रहेगी रोक। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी के मामले में जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान नमो टीवी के प्रसारण पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि बायोपिक मामले में आदेश के स्पष्ट उल्लेखनीय है कि इस फिल्म पर भी रोक लगा दी है। जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक इन दोनों पर जो है रोक जारी रहेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। सिर्फ ₹72 में आधार कार्ड की मदद से आप भी बदलवा सकते हैं अपने पैन कार्ड की डिटेल, इस तरह करना होगा आवेदन। जी हां दोस्तों, तथा पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और जिसके चलते आप पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई। ऐसे में यदि आपको भी पैन कार्ड में कोई डिटेल गलत है या उसे भी आपको आधार कार्ड की मदद से ठीक करवा सकते हैं। फिलहाल पैन कार्ड में किसी भी तरह की डिटेल को बदलवाने के लिए ग्राहकों को ₹500 खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अब आधार कार्ड की मदद से किसी भी डिटेल को ठीक करवाने के लिए आपको ₹72 खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको पैन कार्ड में अपना नाम, उपनाम, पता या जन्मतिथि में कोई भी बदलाव करवाना है तो आप आधार कार्ड की सहायता से आसानी से करवा सकते हैं और सिर्फ आपको ₹72 चेंज करवाने के पैसे देने पड़ेंगे। और वहीं आपको पैन कार्ड की डिटेल है वो आधार कार्ड के हिसाब से आसानी से चेंज हो जाएगी और नया पैन कार्ड भी आपके लिए जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड पुराना है या फिर फोटो खराब हो जाती है तो भी आपको डिटेल में बिना किसी तरह का बदलाव के बगैर नया कार्ड जो है आपको दे दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए आपको ₹72 का चार्ज देना होगा और आपको ईमेल आईडी में PDF फॉर्मेट में भेज दिया जाएगा और डाक द्वारा भी आपको आपका नया पैन कार्ड है वो भेज दिया जाएगा। इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको ऑफिस आपकी स्क्रीन पर एक साइट दिख रही है, आप इस ऑनलाइन साइट पर जाकर और जो आपको डिटेल दिख रही है ये डिटेल अगर आप पूरी फिलअप करके ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपके जो पैन कार्ड में है वो जो इतना भी आपका नाम वगैरह कुछ भी आपको चेंज करवाना है तो वो आसानी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। लेनोवो 23 अप्रैल को लॉन्च करेगा अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन। लेनोवो Z6 प्रो लेगा 100 मेगापिक्सल की तस्वीरें और भी कई हैं इसकी खासियत। जी हाँ दोस्तों, तथा चीन के स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लेनोवो जल्द ही तथा अपने मार्केट में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेनोवो Z6 प्रो लॉन्च करने वाला है और कंपनी ने इस फोन के लॉन्चिंग डेट का ऐलान कर दिया है। और 23 अप्रैल को लेनोवो ने इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है और इस स्मार्टफोन को चीन में होने वाले तथा एक इवेंट में लॉन्च किया जाएगा और माना जा रहा है कि कंपनी ने इस फ्लैगशिप फोन के साथ ही कुछ नए फीचर भी लॉन्च कर सकती है और इसके अलावा लेनोवो तथा हाइपर वीडियो फीचर भी लॉन्च कर सकती है। और यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा और माना जा रहा है कि यह स्मार्टफोन ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ लेस होगा और फोन का रियर पैनल जो है वो ग्लास से बना होगा। दोस्तों आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं या फिर और खास ऑफरों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप नए ऑफरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आज की मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन में बस इतना ही। आज की मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सकें। जय हिंद, धन्यवाद।